सोशल मीडिया पर देखिए हर तरफ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किस तरह से भारत के आयुर्वेद और योग की चर्चा हो रही है। कोरोना की दृष्टि से आयुष मंत्रालय ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो प्रोटोकॉल दिया था, मुझे विश्वास है कि आप लोग इसका प्रयोग जरूर कर रहे होंगे। गर्म पानी, काढ़ा और जो अन्य दिशा निर्देश आयुष मंत्रालय ने जारी किए हैं, वो आप अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। साथियों, वैसे ये दुर्भाग्य रहा है कि कई बार हम अपनी ही शक्तियां और समृद्ध परंपराओं को पहचानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन जब विश्व का कोई दूसरा देश एविडेंस बेस्ड रिसर्च के आधार पर वही बात करता है, हमारी फॉर्मूला हमें सिखाता है, तो हम उसे हाथों हाथ ले लेते हैं। संभवतः इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण सैकड़ों वर्षों की हमारी गुलामी का कालखंड रहा है। इस वजह से कभी कभी हमें अपनी ही शक्ति पर विश्वास नहीं होता है, हमारा आत्मविश्वास कम नजर आता है। इसलिए हम अपने देश की अच्छी बातों को, हमारे पारंपरिक सिद्धांतों को एविडेंस बेस्ड रिसर्च के आधार पर आगे बढ़ाने के बजाय उसे छोड़ देते हैं, उसे हीन समझने लगते हैं। भारत की युवा पीढ़ी को अब इस चुनौती को स्वीकार करना होगा। जैसे विश्व ने योग को सहज स्वीकार किया है, वैसे ही हजारों वर्षों पुराने हमारे आयुर्वेद के सिद्धांतों को भी विश्व अवश्य स्वीकार करेगा। हाँ, इसके लिए युवा पीढ़ी को संकल्प लेना होगा और दुनिया जिस भाषा में समझती है उस वैज्ञानिक भाषा में हमें समझाना होगा, कुछ करके दिखाना होगा।